أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। बॉडी लैंग्वेज यानी जिस्मानी ज़ुबान, इशाराती हरकत, जिस्म के शौरी या गैर शौरी अंदाज और हरकतों सकनात का एक सिलसिला है जिसके ज़रिए कोई शख्स अपने ख्यालात और एहसासात दूसरों तक पहुंचा सकता है। सर की जुम्बिश और चेहरे के तासुरात हमारे एहसासात के बारे में बहुत कुछ बयान कर सकते हैं। हैरानी के इजहार के लिए हम अपनी भौहें उचकाते हैं और हाँ कहने के लिए सर को ऊपर नीचे हरकत देते हैं। हमारी जिस्मानी हरकत हमारे महसूसात की ज़बान है। थकन की सूरत में लोग अपनी कमर खमीदा कर लेते हैं जबकि जोश और खुशी के इजहार के तौर पर उनके तासुरात पुर एतमाद और जिस्मानी हरकत पुर जोश होती हैं। हमारे उठने बैठने के तौर तरीके हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। पुर एतमाद लोग अपनी इस खसूसियत के इजहार के तौर पर सीधे खड़े होते हैं। इंसानों की जिस्मानी हरकत के मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मतालब लिए जाते हैं। बाज ममालिक में मुलाकात के वक्त लोग हाथ मिलाते हैं जबकि कुछ ममालिक में लोग एक दूसरे के सामने झुककर या गाल मिलाकर एक दूसरे को खुश आमदीद या अलविदा कहते हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में अंगूठा दिखाने का मतलब कामयाबी का इजहार है जबकि पंजाब के कुछ इलाकों में अंगूठा दिखाने को लड़ाई का आगाज समझा जाता है। जिस्मानी ज़ुबान की एक उम्दा मिसाल दो कुत्तों की मुलाकात है जो मुख्तलिफ औकात में अपने कानों, नाक, दुम और टांगों की हरकत से अपने एहसासात का इजहार करते हैं। इन मुख्तलिफ हरकत के जरिए वो बता देते हैं कि वो लड़ना, भागना या दोस्ती करना चाहते हैं। दुम खड़ी करने या कान बाहर निकालने का मतलब है कि वो चौकन्ने हैं। दुम हिलाने का मतलब दोस्ती जबकि दुम नीची करने का मतलब भागना है। गुस्से या लड़ाई की सूरत में वो अपने दांत बाहर निकाल लेते हैं।